व्हाट्स अप गाइस, कैसे हैं आप सब। स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिक शॉक में। आप सब जानते हैं कि कोरोना वायरस के चलते पूरा कंट्री लॉकडाउन हो चुका है। सो इस टाइम खुद को प्रोटेक्ट करना, घर पे रहना और कुछ सबसे ज़्यादा ज़रूरी फैमिली को प्रोटेक्ट करना। तो इन सब को प्रोटेक्ट करने के लिए मैं आपको कुछ टिप्स देने वाला हूं जो आप बिना किसी इन्वेस्टमेंट के अपने घर पे यूज़ करके और अपने आप को वायरस और बैक्टीरिया से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अब तक के लिए बने रहिए वीडियो में। अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए। LEDs के बारे में, ब्लू लाइट से असल में होता क्या है। तो US की एक यूनिवर्सिटी में टेस्ट हुआ वहाँ पे कि ब्लू लाइट जो है बैक्टीरियाज को किल करने में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है अदर देन अदर लाइट के कंपेरिजन में। सो असल में होता क्या है, मैं आपको डिटेल्स में समझाता हूँ। जो ब्लू लाइट होती है उसकी वेवलेंथ होती रेड लाइट के कंपेरिजन में उसके आसपास ही होती है, लेकिन रेड लाइट की ज़्यादा होती है हमारी आइज़ के विजुअल के लिए, जिससे हमारी आइज़ देख। लेकिन रेड लाइट जो होती है वो हमारी स्किन के अंदर एंटर नहीं कर पाती है। लेकिन ब्लू लाइट क्या होती है, उसके अंदर ऐसी उसकी जो वेवलेंथ होती है वो 200 से 290 mm के आसपास होती है। तो वो क्या करती है, स्किन के अंदर एंटर कर जाती है, खासकर हमारी स्किन के अंदर एंटर नहीं कर पाती क्योंकि हमारी स्किन काफ़ी स्ट्रांग होती है। लेकिन जो बैक्टीरियाज होते हैं वैसे भी वो इनविजिबल होते हैं, तो दिखते आसानी से है नहीं, लेकिन उनकी स्किन ना के बराबर होती है। सो ब्लू लाइट क्या करती है, उसके अंदर आसानी से एंटर कर जाती है और उसको ना दो पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। अब कोई भी चीज़ हो या मैं हूँ, मेरे को अगर दो पार्ट में बराबर से काट दोगे, बीच से कैसे भी काट दोगे, सो जाहिर सी बात है मैं मर जाऊँगा। सो इस टाइप से ब्लू लाइट प्रोटेक्ट करती है। और भी इसके नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप पूरी डिटेल्स ले सकते हैं। मैंने वहाँ पर US की जिस रिसर्च सेंटर में ये पाया गया वहाँ की मैंने आपको पूरी पूरी लिंक दे रखी है। आप पेज पर जाके हर एक डिटेल्स अच्छे से पढ़ सकते हैं। और तो आपको कुछ टिप्स बता देता हूँ जिससे आप घर में यूज़ करके थोड़ा सा प्रोटेक्शन अपने लिए कर सकते। तो टिप नंबर वन, आपके घर में LEDs लगी होंगी, अब तो CFL और ट्यूबलाइट बहुत कम ही लोग यूज़ करते हैं। सो उन पे आप क्या कर सकते हैं, आपके पास कोई ब्लू पॉलीथीन या पन्नी या फिर कोई पार दिखने वाली चीज़ जो ब्लू कलर की हो उसके ऊपर लगा सकते हैं। सो उससे 0.001% भी अगर बैक्टीरियाज किल होता है तो आपके लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आपका कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर आपके लिए कोई फ़ायदा ही है। टिप नंबर टू, आपके यहाँ पे कंसील्ड लाइट लगी होगी। कंसील्ड वाली लाइट्स में ब्लू कलर की लाइट्स होती है, रेड कलर की लाइट्स होती है, ग्रीन कलर की लाइट्स होती है, अलग अलग डिफरेंट कलर की लाइट होती है, लेकिन ब्लू कलर का ज़्यादा यूज़ करें आपको प्रोटेक्शन मिलेगा। और टिप नंबर थ्री, अमेजोन पे भी इसका एक प्रोडक्ट आता है, ब्लू लाइट बैक्टीरिया क्लियर। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये कुछ प्रोडक्ट है, इसके अंदर से ब्लू लाइट निकलती है और वायरस को प्रोटेक्ट करती है, जहाँ पे हमारे फिंगर टच होते हैं कीबोर्ड, बीस के प्रोडक्ट्स में यूज़ किया जाता है ताकि बैक्टीरियाज किल हो जाए और आसानी से बैक्टीरिया में। सो टिप नंबर फोर में, जैसे कि मेरे बैकग्राउंड में LEDs जल रही हैं, आप ये वाली LEDs यूज़ कर सकते हैं। आपके पास है तो अच्छी बात, जिन लोग के पास है ज़रूर से ज़रूर यूज़ करें, जो भी रखें या दिवाली वगैरह की हो तो यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इससे आपको काफ़ी प्रोटेक्शन मिल जाएगा, बैक्टीरिया तो खास कर प्रोटेक्शन मिल। तो मेरी टिप्स कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए धन्यवाद।